भाजपा के सदर विधानसभा के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,65,099 वोट पाकर जीत हासिल की। आपको बता दें कि सदर विधानसभा के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी शुभावती शुक्ला को 1,03,390 वोटों से पराजित किया। शुभावती शुक्ला को 62,109 वोट पाकर हार का सामना करना पड़ा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल्ल ने कहा, बहुत खुशी हो रही है। आज गोरखपुर शहर विधानसभा का यह रिजल्ट निकला है, चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और हिंदुवानी के मुख्य संरक्षक परम पूज महाराज श्री 1,00,000 से ऊपर के मतों से यहाँ पे जनता के दिलों में बसते हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित होने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अपने आप में सौभाग्य का विषय है और आम जनता के लिए बहुत ही, चूँकि उत्तर प्रदेश अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो समाजवादी पार्टी, आप हाल देख रहे थे कि लगातार पिछले कितने दिनों से वो एक तांडव मचा रहे थे और यहाँ की जनता ने सुरक्षा के नाम पे पूज महाराज जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना वोट किया है और गोरखपुर तो उनका घर है और यहाँ के दिलों में, लोगों के दिलों में बसते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि पूज महाराज जी यहाँ से हम लोग के प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में जा रहे हैं।